बाय बाय टाटा गुड बाय गया। और भैयों क्या हालचाल, उम्मीद है सब मजे में होंगे और अगर भैया नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखकर हो जाएंगे क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको जानवरों के कुछ ऐसे फनी कारनामे दिखाएंगे जिनको देखकर आप बहुत ज्यादा हंसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना वरना मजा नहीं आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम फोटोग्राफर से अपनी फोटो खिंचवाते हैं तो फोटो निकालने से पहले अपन उसको देखते हैं कि फोटो अच्छी तो है ना, कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। अब दोस्तों ये तो हम इंसानों की बात है, लेकिन जरा आप इस फोटो को देखिए, यहाँ पर ये शख्स इस डॉगी की फोटो खींच रहा है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरा अब आप इस फोटो को देखिए, ये डॉगी भी हम इंसानों की तरह अपनी फोटो को देख रहा है कि मैं हैंडसम तो दिख रहा हूँ ना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं कैसी सुंदर सुशील और प्यारी सी दिखने वाली भैंसिया से, जिसने मेकअप के मामले में आजकल की लड़कियों को भी फेल कर दिया। जी हाँ यही है वो ब्यूटीफुल भैंसिया, देख रहे हो जमाना कितना आगे बढ़ गया है, अब लड़कियों को देखकर जानवर भी मेकअप करवाने लगे हैं। सच में अगर इस फोटो को मोदी जी देख लेना तो वो भी सिर्फ एक ही बात कहेंगे, आयो बहनो यह देश बदल रहा है। अब मिलिए आप इस गधे से, सॉरी गधे से नहीं गधे जी से। अब इतने स्टैंडर्ड कपड़े पहने हैं तो भैया सिर्फ गधा कहना शोभा थोड़ी देता है, और लोग भाग तो पार्ले जी के पीछे भी जी लगाते हैं, तो भैया ये तो फिर भी चल बस रुलाएगा क्या। दोस्तों लगभग हर आदमी चाहता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय करे, खैर ऐसा कभी होता तो नहीं है क्योंकि आजकल लोग अपने कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि भैया इंजॉय करने का तो इनके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन ज़रा आप इन दोनों चिंपोंजियों को देखिए, अपनी लाइफ का असली मज़ा तो ये दोनों ले रहे हैं, देखो तो सही कैसे एक के बाद एक पप्पियाँ लिए जा रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों अभी आप जिस लड़की के बालों को हवा में लहराता हुआ देख रहे हैं, ये कोई मामूली लड़की नहीं है, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, और इसका चेहरा जिसने भी देखा देखते ही वो इसका दीवाना हो गया, मेरे ख्याल से आप भी हो ही जाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ठंड के दिनों में नहाने से पहले कम से कम हम 10 बार पानी का टेम्परेचर देख लेते हैं कि पानी कहीं ठंडा तो नहीं है। अब कुछ हमारी ही तरह ये मोहतरमा भी पानी का टेम्परेचर देख रहे हैं कि कहीं ठंडा तो नहीं है। वैसे इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों ये चीज़ आपके साथ भी कभी ना कभी ज़रूर हुई होगी, जैसे कि कहीं पर कुछ ऐसी घटना हो रही हो जिसे देखने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा बेताब हैं, या फिर उसे देखने में हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन बीच में दीवार या फिर कुछ होने की वजह से हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इस सिचुएशन में हमारा दोस्त कुछ इसी तरीके से हेल्प करता है, जैसे कि यहाँ पर इस डोगी ने अपने दूसरे डोगी दोस्त को अपने ऊपर बिठा रखा है, ज़रूर कोई ना कोई बड़ा कांड हुआ है तभी ये दोनों उसे इतना मन लगा कर देख रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा दोस्त कुछ इसी तरीके से हमारी हेल्प करता है, देखो तो सही कैसे एक डोगी ने अपने दूसरे डोगी दोस्त को अपने ऊपर बिठा रखा है, ज़रूर कोई ना कोई बड़ा कांड हुआ है तभी ये दोनों उसे इतना मन लगा कर देख रहे हैं। हम जब भी कई बार घूमने जाते हैं तो भैया बैग चश्मा मतलब उसी हिसाब से बन ठन कर जाते हैं, अब हमारी तरह ये डॉग भी बाहर घूमने जा रहा है, और बाहर जाने से पहले इसने एक बात कही थी कि भाइयों बहनों मैं कुछ दिनों के लिए दुबई जा रहा हूँ, तो सभी दुआ में याद रखना, वाह वाह। दोस्तों आजकल के लोग बाग सेल्फियों के इतने ज्यादा दीवाने हो गए हैं कि जहाँ मौका मिला वहीं पर फोन निकालकर शुरू हो जाते हैं, और खास करके लड़कियाँ नई नई स्टाइलों से मुंह बनाती हुई सेल्फियाँ लेती हैं। अब इन्हीं लड़कियों से इंस्पायर होकर ये जानवर भी सेल्फियाँ लेने लगे हैं, देखो तो सही सभी कैसे चुपचाप कैमरे की तरफ देख रहे हैं कि भैया कहीं फोटो ना बिगड़ जाए। और जहाँ तक मुझे पता है ये बिल्ली सभी से ये कह रही होगी कि चुपचाप खड़े रहो कुत्तो वरना फोटो खराब हो जाएगी।
वैसे दोस्तों जब भी पत्नी से थोड़ी बहुत कहासुनी होती है तो देखो यार माथा तो सबका गर्म होता है। अब इस कौवे को देखकर भी मुझे कुछ ऐसा ही लगता है दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई थी, उसी से हुए गर्म माथे को ये कौवा यहाँ पर ठंडा कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। भाई लोगों, बहुत सारे लोगों को जलन की बीमारी होती है, यानी कि वो दूसरों की तारीफ सहन नहीं कर पाते। अब जैसे कि आप इस फोटो को ही देख लीजिए, इस फोटो में ये असली टाइगर है, लेकिन कुछ लोगों को जलन हो रही है और वो इसे कुत्ता बोल रहे हैं। अब यार अपनी जलन के चक्कर में किसी टाइगर को कुत्ता बोलना सही बात थोड़ी है, उसकी भी कुछ इज्जत है यार। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। दोस्तों जैसे ही चुनाव आते हैं तो नेता लोग जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और उस टाइम पर अपने दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। अब जैसे कि आप इस फोटो को ही देख लीजिए, लगता है जंगल में चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए राजा जी दुश्मनी से दोस्ती पर उतर आए। सच्ची बता रहा हूँ, अगर ये इमेज मैंने थोड़ी देर और देख ली ना तो सच में आज तो मेरे आंसू आ ही जाएंगे। चल बस, लायक है क्या? दोस्तों लगता है ये पक्षी मर चुका है और ये डोगी इसे जिंदा समझकर अपना भोजन बनाने के लिए इसके पास आ गया, लेकिन जैसे ही इसे पता चलता है कि ये तो मरा हुआ है तो डोग महाशय तुरंत यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। अगर दोस्तों आप भी मेरी तरह यही बात सोच रहे हैं तो भैया आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सच्चाई तो कुछ और ही है, जरा आप खुद ही देखिए। मारो मुझे। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो देखकर आपको थोड़ी बहुत हंसी आई होगी, और अगर हाँ तो फिर सोच क्या रहे हो, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे भी तो और ऐसी वीडियोस देखनी है ना, तो भैया जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस मजेदार वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।